राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे पर मोदी सरकार के 6 मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राजनाथ सिंह ने कहा, आज जो हुआ वो दुखद और शर्मनाक। राजनाथ सिंह ने कहा, संसदीय मर्यादा तार तार हुई, संसदीय इतिहास में ऐसी घटना कभी नहीं हुई। राजनाथ सिंह ने विधेयक को किसानों के लिए ऐतिहासिक बताया। कहा, विपक्ष गलतफहमी फैला रहा है। राजनाथ सिंह ने कहा, ना MSP समाप्त हो रही है ना ही APMC। राज्यसभा में ध्वनिमत से पास हुआ किसानों से जुड़े 2 बिल। मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, अब आत्मनिर्भर बनेंगे किसान। प्रधानमंत्री मोदी ने आज के दिन को ऐतिहासिक बताया। कहा, बिल से कृषि क्षेत्र में अमूलचूल परिवर्तन आएगा और करोड़ों किसान सशक्त भी होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, MSP की व्यवस्था जारी रहेगी, सरकारी खरीद भी रहेगी जारी। राज्यसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान। कहा, ये बिल किसानों के लिए बहुत क्रांतिकारी साबित होंगे। नरेंद्र तोमर ने कहा, किसानों को अपनी फसल किसी भी जगह पर मनचाही कीमत पर बेचने की भी आजादी मिलेगी। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने फिर किया दावा। कहा, बिल का MSP से कोई लेना देना नहीं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, किसान की शंकाओं पर किसानों के साथ चर्चा के लिए 24 घंटे तैयार है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिले किसान, बुके और मिठाई बांटकर खुशी भी जताई। बीजेपी सांसद भूपेंद्र यादव का कांग्रेस पर हमला। कहा, CA NRC की तरह गुमराह करने की कर रहे हैं कोशिश। भूपेंद्र यादव ने कहा, कांग्रेस किसानों की सिर्फ बात करती है, उनके लिए कुछ नहीं करती। हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज ने कहा, विपक्ष दल किसानों को कर रहे हैं गुमराह। कृषि बिल का यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने किया स्वागत। बिल को कृषि और कृषकों के हित में बताया। महाराष्ट्र के धुले में किसानों ने कृषि बिल का स्वागत किया। कहा, देश भर में आप कहीं भी अपने अनाज को बेच सकते हैं। राज्यसभा में कृषि बिल पास होने से पहले विपक्ष का जबरदस्त हंगामा। वेल में जमकर नारेबाजी। उपसभापति के आसन तक पहुंचे विपक्षी नेता, बिल की कॉपी फाड़कर चेयर पर फेंकी। उपसभापति से बिल से जुड़े कागज छीनने की भी कोशिश। विपक्षी सांसदों ने चेयर के सामने माइक को भी तोड़ दिया। डेरेक ब्रायन, जयराम रमेश, रिपुन बोरा की मार्शल से झड़प हुई। मार्शल ने डेरेक को हटाने की कोशिश की तो वो चेयर के सामने ही टेबल पर बैठे। राज्यसभा में हंगामे को लेकर हाई लेवल मीटिंग। बैठक में सभापति उपसभापति के साथ प्रहलाद जोशी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल रहे मौजूद। राज्यसभा में हंगामा करने वाले सांसदों पर हो सकती है कार्रवाई। कृषि बिल पर चर्चा के दौरान हंगामा। विपक्ष पर बरसे बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा। कहा, विपक्ष का रवैया गैर जिम्मेदाराना। विपक्षी दलों ने राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन दिया। राज्यसभा में कांग्रेस, CPM, DMK और TMC ने बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेजने का प्रस्ताव दिया था। कृषि बिल पास होने पर विपक्षी दलों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया। राज्यसभा में पास हुए 2 बिल। किसान बिल पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने बिल को किसानों का डेथ वारंट बताया। राहुल गांधी ने कृषि बिल को बताया काला कानून। ट्वीट कर कहा, मोदी जी किसानों को पूंजीपतियों का गुलाम बना रहे हैं। राहुल गांधी ने PM मोदी से भी पूछा सवाल, किसान मार्केट खत्म होने पर MSP कैसे मिलेगा। शशि थरूर का मोदी सरकार पर वार। कहा, कोरोना संक्रमण पर काबू पाने में नाकाम रही सरकार। शशि थरूर ने कहा, गिरती अर्थव्यवस्था को नहीं संभाल पाई मोदी सरकार। कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने बिल पास होने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। कहा, इतिहास में इस दिन को काले दिन के रूप में याद किया जाएगा। TMC सांसद डेरेक ब्रायन बोले, सिर्फ वादा करती है सरकार, किसानों की आय 2028 तक दुगनी नहीं हो सकती। वाईएसआर कांग्रेस ने कृषि विधेयक का समर्थन किया। सांसद विजय साई रेड्डी ने कहा, पूर्व की सरकार मिडिलमैन का समर्थन करती थी। अकाली दल प्रमुख सुखबीर बादल की राष्ट्रपति से अपील, कृषि बिल को ना दे स्वीकृति, पुनर्विचार के लिए बिल को संसद में लौटाएं। सुखबीर बादल ने कहा, अगर सड़क पर किसान भूखे सो रहे हैं तो सचमुच लोकतंत्र के लिए बुरा दिन। हरियाणा के सिरसा में किसानों ने नेशनल हाईवे 9 पर प्रदर्शन किया। दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर जीरकरपुर में यूथ कांग्रेस की ट्रैक्टर रैली हुई, सरकार के खिलाफ बिल का विरोध। प्रदर्शन उग्र होने पर पुलिस से प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार की। अंबाला के साधोपुर बॉर्डर के पास प्रोटेस्ट हुआ। अंबाला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर पर आग लगाई, कृषि विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन। जींद में भी किसान बिल के विरोध में सड़क पर उतरे, रोड किनारे धरना कर किसान बैठ गए। दिल्ली में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के घर के बाहर NSUI का प्रदर्शन, कृषि बिल का विरोध। फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप की मुश्किलें बढ़ी, एक्ट्रेस पायल घोष ने यौन शोषण का आरोप लगाया। अनुराग कश्यप ने अपने ऊपर लगे आरोप को बेबुनियाद बताया, खुद को चुप कराने की साजिश करार दिया। पायल घोष के समर्थन में आई कंगना रनौत, अनुराग कश्यप को गिरफ्तार करने की मांग की। कहा, हर आवाज मायने रखती है। एम्स की फॉरेंसिक टीम की CBI के साथ मीटिंग टली। सुधीर गुप्ता के मुताबिक अगले हफ्ते किसी वर्किंग डे पर होगी मीटिंग। एम्स के मेडिकल बोर्ड की मंगलवार को बैठक है। डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने कहा, मेडिकल बोर्ड की बैठक के बाद CBI को सौंपेंगे रिपोर्ट। रिपोर्ट में बिना किसी भ्रम या संदेह के अंतिम निष्कर्ष होगा। सुशांत केस में CBI जांच पर BJP विधायक राम कदम ने सवाल उठाए। ट्वीट कर पूछा, 95 दिन के बाद भी CBI टीम के हाथ खाली क्यों। राम कदम ने सुशांत के घर को खाली कराने पर भी सवाल उठाए। कहा, जिस घर में सुशांत की मौत हुई थी रातों रात खाली क्यों किया, लोगों को MVA के सबूतों को मिटाने का शक। दिल्ली में NCB को बड़ी कार्रवाई, 2.7 किलोग्राम बीट बरामद की गई। लखनऊ से एक आरोपी गिरफ्तार। महाराजगंज में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, पुलिस ने करीब 5
करोड़ के ड्रग्स जब्त किए, 3 स्मगलर भी गिरफ्तार हुए। मंगलुरु पुलिस ने ड्रग्स के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। दोनों के बॉलीवुड से कनेक्शन आए थे सामने, एक डांसर और दूसरा कोरियोग्राफर। अगस्त 2017 से जुलाई 2020 तक CAPF और असम राइफल्स के 446 जवान शहीद हुए। लोकसभा में सरकार ने जानकारी दी, 2015 से 2019 के बीच 18,855 लोगों को मिली भारत की नागरिकता। 2015 के बाद से लगातार घट रही है नागरिकता लेने वालों की संख्या। 2015 में 15,459 लोगों ने भारतीय नागरिकता ली, जबकि 2018 में केवल 586 लोगों को इंडियन सिटीजनशिप मिली। लोकसभा में मंत्री नित्यानंद राय का बयान। मुंबई में मराठा आरक्षण को लेकर सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी, सरकार से मराठा समुदाय को आरक्षण देने की अपील। गाजियाबाद में एक बुजुर्ग के साथ सरेआम बेरहमी हुई, अपने पैसे मांगने पर एक शख्स ने रॉड से पीट दिया। वीडियो वायरल होने पर आरोपी की गिरफ्तारी। देशद्रोह के केस में संसद सत्र के बाद पेश होंगे आप सांसद संजय सिंह। लखनऊ पुलिस ने पेश होने के लिए समन किया था। प्रयागराज में बाहुबली अतीक अहमद के ऑफिस पर योगी सरकार का बुलडोजर चला, प्राधिकरण से स्वीकृत नक्शे के विपरीत अवैध रूप से भवन बनाया था। डीएम की इजाजत के बाद यूपीडीए ने कार्रवाई की, एक्शन के दौरान मौके पर कई थानों की फोर्स गई थी। गैंगस्टर अतीक अहमद के अवैध साम्राज्य का कार्य पर कार्रवाई हुई। प्रयागराज में दफ्तर के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चले। पटना में तेजस्वी के घर के बाहर आरजेडी कार्यकर्ताओं का हंगामा, अपने नेताओं के लिए टिकट मांगी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, इस बार चुनाव में बेरोजगारी, कृषि का व्यवसायीकरण और कोरोना मुख्य मुद्दे रहेंगे। बिहार चुनाव में ओबीसी की पार्टी ने देवेंद्र प्रसाद यादव की पार्टी समाजवादी जनता दल के साथ गठबंधन किया, बाद में सीटों के बंटवारे पर ऐलान होगा। देश में 54 लाख के करीब पहुंचा कोरोना ग्राफ, एक दिन में सामने आए 92,605 नए मामले। देश में कोरोना से एक दिन में 1,133 लोगों की मौत हुई, अब तक 86,752 लोगों ने दम तोड़ा। देश में एक दिन में 94,000 से ज्यादा लोग कोरोना से रिकवर हुए, करीब 43 लाख लोगों ने बीमारी को मात दी। देश में अब तक 6,36,00,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट, शनिवार को 12,06,000 से ज्यादा की जांच। प्रधानमंत्री मोदी 23 सितंबर को कोरोना के हालात पर चर्चा करेंगे। दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, पंजाब समेत 7 राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे शामिल। दिल्ली में कोरोना के 3,812 नए मामले, आज 37 लोगों की जान गई, अब तक 2,46,000 से ज्यादा संक्रमित। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना से 21,907 लोग संक्रमित हुए, 425 लोगों की मौत हुई। मुंबई में आज 2,236 लोग कोरोना पॉजिटिव, 44 की मौत हुई, अभी तक 8,466 लोगों की जान गई। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस से 5,809 लोग संक्रमित, 94 की मौत। योगी सरकार की नई पहल, एक क्लिक के घर पर बैठे मरीज देख सकेंगे अपनी कोरोना रिपोर्ट, सीएम ने सुविधा का शुभारंभ किया। वाराणसी में 183 दिन बाद आज से खुले संकट मोचक मंदिर के दरबार, एक बार में 10 भक्तों की एंट्री, मास्क जरूरी। उत्तराखंड में कोरोना के 878 नए केसेस, राज्य में कोरोना के अब तक 40,963 मामले। उत्तराखंड विधानसभा के स्पीकर कोरोना पॉजिटिव, 23 सितंबर से शुरू हो रहा है विधानसभा सत्र। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह कोरोना पॉजिटिव, संपर्क में आए लोगों से टेस्ट कराने की अपील। डीसीजीआई ने कोरोना के लिए फलदा टेस्ट को मंजूरी दी, कम खर्च में भी टेस्ट होगा। कोरोना काल में श्रीनगर में पुलिस प्रीमियर लीग का आयोजन, स्थानीय खिलाड़ी हिस्सा ले सकेंगे। केरल के 3 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी, बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना। केरल के कोट्टायम में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। कर्नाटक यूरोपी में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, रिहायशी इलाकों में भी पानी घुसा। अरुणाचल प्रदेश के लेपराडा में लैंडस्लाइड के बाद नदी में मलबा जाम होने से फ्लैश फ्लड हुआ, 2 लोग डूब गए। जम्मू कश्मीर के अरनिया में पाकिस्तान की घुसपैठ की साजिश नाकाम, बीएसएफ की फायरिंग के बाद पाकिस्तान लौटे घुसपैठिए। गुरुग्राम में एक शख्स ने पिता की हत्या करने के बाद खुद को भी मारी गोली। गुरुग्राम में दिनदहाड़े ज्वेलरी शोरूम में लूट, बदमाशों ने ग्राहक बनकर 10 लाख के गहने लूटे। दिल्ली के लक्ष्मीनगर में सड़क पर बाइकर्स का स्टंट, वीडियो वायरल होने के बाद जांच में जुटी पुलिस। इंदौर में टोल प्लाजा पर तोड़फोड़, पुलिस के मुताबिक किसानों ने टोल टैक्स के खिलाफ हंगामा किया। रांची में एक शख्स ने प्रदर्शन कर रहे सहायक पुलिस कर्मियों की भीड़ में कार घुसाई, नाराज जवानों ने कार में तोड़फोड़ की। मुर्शिदाबाद में अबू सुफियान के घर में सुरंग का पता चला, परिवार ने बाथरूम निर्माण के लिए गड्ढा बनाया था। शनिवार को एनआईए ने अलकायदा के आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था। हालन में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तेज हुआ, नए चुनाव कराने और राजशाही में सुधार की मांग। दोबारा लॉकडाउन के खिलाफ लंदन में गुस्सा भड़का, पुलिस प्रदर्शनकारियों में भिड़ंत। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीनी ऐप टिकटॉक की ओरेकल और वॉलमार्ट से डील को मंजूरी दी, कहा 25,000 लोगों को नौकरियां मिलेंगी। जर्मनी के म्यूनिख में अक्टूबर फेस्ट की शुरुआत हुई, कोरोना के कारण 4 अक्टूबर तक फेस्ट चलेगा। आईपीएल मैच शुरू होने से पहले बोले धोनी, 5 महीने परिवार के साथ रहने के बाद 6 दिन क्वारंटीन रहना सबसे मुश्किल क्षण। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह आईपीएल के लिए अबुधाबी में मौजूद यूएई क्रिकेट संघ के साथ करार। अनिल कपूर कोरोना के खिलाफ बीएमसी की मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी मुहिम से जुड़े, लोगों से मुहिम का समर्थन करने को कहा। We'll be right back.